हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 का एग्ज़ाम अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है और अब लोगों को इंतज़ार है कि एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट कब आएगा। तो जवाब के लिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ एसएससी के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस समय एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ssc.nic.in पे, और मैं आपको बताता हूँ कि इस रिजल्ट से रिलेटेड क्या खबर है। देखिए, जैसे नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे एक लिंक देख पा रहा हूँ जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एसएससी ने जारी किया है, इम्पोर्टेंट नोटिस कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए, ये जो नोटिस थी जो एसएससी ने जारी किया वो आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर वन फ्रॉम 4/6/2019 टू 13/6/2019 फॉर 7 डेज। दिस साइलेंट्स फीचर ऑफ द एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल बिलो। उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4/6/13/6 के बीच में कंडक्ट हुआ था और एग्ज़ाम से जुड़ी और भी जानकारी है वो इसमें दी गई है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है टोटल जो आवेदन आए थे एसएससी के लिए वो आए थे 26 लाख के आसपास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, रजिस्ट्रेशन किया था, और अपेयर होने वाले जो कैंडिडेट थे वो करीब 8.5 लाख के आसपास थे, जो कि टोटल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की बात करें तो 32.23% होता है। टोटल एग्जाम जो थे नंबर ऑफ 21 शिफ्टों में कंडक्ट की गई थी, टोटल 362 सेंटरों पे एग्जाम हुआ था। इसके अलावा भारत के 131 शहर का चुनाव किया गया था, नंबर ऑफ 33 स्टेट में इसके जो एग्जाम थे वो कंडक्ट हुए थे। और इसकी जो रिजल्ट की तारीख है, जो कि इस वीडियो का मेन प्रश्न था, तो आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट जो है 20/9/2019 को, यानी कि सितंबर महीने के 20 तारीख को आ जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद। चंदन कुमार, बिहार डेलीगेशन से।